हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे दानेदार, इजी और बहुत ही माउथ मेल्टिंग सूजी का हलवा। बहुत आसान है इसको बनाना, बिल्कुल 10 मिनट के अंदर ये हलवा बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। यहाँ पर मैंने आधा कप जो है वो सूजी ली है, आधा कप चीनी ली है। अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी आप थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, या चीनी की जगह पर गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, इससे और भी ज़्यादा हेल्दी बनकर तैयार होगा। और यहाँ पर मैंने 1/3 कप घी लिया है। 1/3 कप जो होता है वो हाफ कप से थोड़ा सा कम होता है। और यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई नट्स लिए हैं, इसमें मैंने आलमंड्स लिया है, रेजिन्स और चारोली यूज़ किया है। आप चाहें तो कैश्यूज, पिस्ताशियो नट्स, वॉलनट्स, जो आपको पसंद है आप ऐड करके उसको उतना ही नटी बना सकते हैं। तो बहुत ही इजी पीजी रेसिपी है। और पानी हम यूज़ करेंगे 3 गुना, या आप 4 गुना भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा सॉफ्ट और माउथ मेल्टिंग हलवा पसंद है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इस रेसिपी को। इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है, प्लीज़ उसको क्लिक कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से झटपट सूजी का हलवा। तो सबसे पहले मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें थोड़ा सा घी मैं ऐड कर रही हूँ। पहले नट्स को हम रोस्ट करके निकाल लेंगे बाहर, तो नट्स ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है और इसको अच्छी तरह से आप चलाते हुए रोस्ट कर लें। तो ये देखिए, अच्छी तरह से ये हो गया है। ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स to 1 मिनट ही मैंने इसको रोस्ट किया है। बहुत ओवर रोस्ट नहीं करना है हमने। सारे नट्स को हम बाहर निकाल लेंगे। कुछ हद तक किशमिश भी अच्छी तरह से फूल गया है इसके अंदर, तो सारा निकाल लेते हैं बाहर। अगर थोड़ा रह जाता है इसके अंदर नट्स तो उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब हमने बाकी बचा हुआ घी भी ऐड कर देना है। अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म है घी, तो थोड़ा सा अपने फ्लेम लो मीडियम कर लेना है। हाई हीट पर सूजी को कभी भी रोस्ट ना करें, बिकॉज वो अच्छी तरह से नहीं सिक पाएगा। फ्लेम जितना हो सके लो मीडियम ही रख दें, लो रख दें और लो फ्लेम पर आराम से इसको भून लें एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए, जब तक हल्का सा इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं दिखाई देने लगता है। अगर आप ज़्यादा भुना हुआ पसंद करते हैं तो थोड़ा सा आप उसको 1-2 मिनट और रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे फ्लेम लो रहना चाहिए। फ्लेम अगर ज़रा भी हाई आप रखेंगे तो बाहर से ब्राउन होगा, अंदर से कच्चा ही रह जाएगा और हलवा जो है ये स्टिकी प्रिपेयर होगा, दानेदार नहीं होगा, इसीलिए घाई ना करें। तो ये देखिए, ये मिक्सचर अच्छी तरह से फूल कर ऊपर आने लगा है और सूजी का कलर अब काफ़ी हद तक गोल्डन हो गया है। आप चाहें तो थोड़ी देर और भून लें इसको, लेकिन मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है। चीनी ऐड कर देंगे। चीनी ऐड करने के बाद पानी भी ऐड कर देना है। तो फिलहाल मैंने बॉईल नहीं किया है, पानी बिल्कुल ठंडा है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। बहुत एहतियात से करना है आपने। 2 कप ऐड कर दिया है मैंने। फ्लेम को हाई कर लेंगे। ये देखिए, पानी में अच्छी तरह से बॉईल आ गया है, इसको मिक्स कर लेते हैं हम। और यहाँ देखिए, पानी काफी हद तक रिड्यूस हो चला है और ये मिक्सचर जो है ये उड़कर ऊपर आने लगा है। तो 1/2 कप पानी मैंने और ऐड कर दिया है इसके अंदर, मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, आप देख सकते हैं। और अब हमने क्या करना है, इसमें से जो नट्स मैंने रोस्ट किए थे ये मैं ऐड कर रही हूँ। एक बार मिक्स कर लेंगे इसको। अगर आपको ये ज़्यादा मॉइस्ट चाहिए तो थोड़ा सा और पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फूड कलर ऐड किया जा सकता है, केसर मिश्रित दूध ऐड कर सकते हैं। और अब हमने इसको कवर कर लेना है। इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह हम छोड़ देंगे, जब तक घी जो है ये साइड्स में सेपरेट होता हुआ दिखाई नहीं देने लगे। और उसके बाद हमारा ये हलवा जो है ये बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट मेरे को इसको 3 से 4 मिनट हो गए हैं यहाँ पर रखे हुए। आप ऑलरेडी देख सकते हैं, यहाँ से दिखाई दे रहा है कि घी जो है वो ऑलरेडी सेपरेट होता हुआ साइड में से दिखाई देने लगा है। अब हमने इसको एक बार मिक्स कर लेना है। ये देखिए, मैं आपको टेक्स्चर दिखाना चाहती हूँ हलवे का। बहुत ही बेहतरीन दानेदार हलवा जो है ये बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा ड्राई ना करें इसको, बिकॉज ये जैसे जैसे ठंडा होगा ये बिल्कुल ही ड्राई होगा। ये देखिए, बंद कर लेंगे गैस को और इसको इसी तरह छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको सर्व कर लेंगे।
तो ऑलमोस्ट 2 मिनट हो चुके हैं मैंने को यहाँ पर इसको छोड़े हुए, और गैस का फ्लेम ऑलरेडी मैंने पहले ही ऑफ कर लिया था। और ये देखिए, आप इसके लुक से ये देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन बनकर ये तैयार हुआ है। ये देखिए, तो ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है बेहतरीन दानेदार सूजी का हलवा। बिल्कुल 10 मिनट के टाइम के अंदर अंदर मैंने इसको बनाया है और ये बहुत ही यमी है। अब देख सकते हैं इसका एक एक दाना खिला हुआ है। मैं आपको क्लोजअप करके दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर, बहुत यमी बनकर तैयार हुआ है। आप वेरिएशंस कर सकते हैं, केसर मिश्रित दूध ऐड कर ले, आप उसके अंदर इलायची का पाउडर ऐड कर सकते हैं, और जो नट्स आपको पसंद है वो ऐड करके इसको और नटी बनाया जा सकता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस आसान रेसिपी को, और मुझे फीडबैक लिख के ज़रूर बताइए रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर रेसिपीज़ आ रही हैं पसंद तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक गुड केयर, बाय।